का पूरा आई डोंट थिंक मिक्स हुआ है। देखते हैं, इस पर लिखा है कि ग्लॉसी वाला लुक देता है। हे गाइस, दिस इज रौनक हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं बहुत ही यूनिक से प्रोडक्ट के बारे में आपको मैं रिव्यू देने वाला हूँ। सो ये प्रोडक्ट है हेयर कलर वैक्स ज़ाफ्रन नेचुरल्स कंपनी से, एंड ऑनेस्टली मैंने कंपनी के बारे में कभी सुना नहीं हूँ। ये प्रोडक्ट का नाम है जेनिक्स, एंड मैंने बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स के मैंने वीडियोज देखे जहाँ पे उन लोग रिव्यू दे रहे हैं टेम्पररी हेयर कलर वैक्स का। बट ऑनेस्टली व्हाट दे आर नॉट शोइंग यू इज दैट उनके बाल हाइलाइट्स वाले रहते हैं। जिनके लाइट कलर बाल होते हैं या जिन्होंने अपने बाल पे ब्लीच लगाए, उन पे कोई भी कलर इजिली बैठ जाता है। मैंने बहुत टाइम से मैंने हेयर कलर नहीं लगाया, सो दिस इज माई एक्चुअल नेचुरल कलर। इस पे अगर मैं कोई भी हेयर कलर करने जाऊँ, जैसे कि ग्रीन, ब्लू या वट एवर इट इज, वो कलर इजिली नहीं बैठेगा इसके ऊपर। बस मेरे बाल प्री लाइटन नहीं है, आई डोंट हैव ब्लीच्ड हेयर, एंड दैट्स द रीजन मेरे बाल पे अभी कोई भी कलर इजिली नहीं बैठेगा। बट लेट्स ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट, बिकॉज ये प्रोडक्ट में लिखा है दैट इज एन इंस्टेंट पार्टी वेयर हेयर कलर फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। I ordered it from Amazon. As you can see, इसका packaging थोड़ा अजीब है। I didn't like the packaging, but इसमें बहुत ज़्यादा options available है colors के, that is red, purple, green, blue, yellow, white, which is grey color. And obviously I've ordered grey color because मुझे grey hair color बहुत ज़्यादा पसंद है। I mean वो बूढ़े वाले बाल नहीं, but the greyish color बहुत बहुत प्यारा लगता है। It looks very nice, it looks very amazing. So I hope ये product से मुझे वो hair color आएगा, and let's see कि wash करने के बाद easily अपने बालों से निकलता है कि नहीं। तो इसके बॉक्स के पीछे इसके डायरेक्शंस लिखा है, इंग्रेडिएंट्स लिखा है, एंड इसमें लिखा है कि जेनिक्स कलर वैक्स इज अ नेचुरल हेयर स्टाइलिंग वैक्स। इट इज टेम्पररी हेयर स्टाइल क्रीम फॉर पार्टी एंड डेली यूज। इट इज 100% सेफ टू यूज एंड कंटेन्स प्रो विट E5 कंडीशनर विच मेक्स द हेयर शाइन एंड स्ट्रॉन्गर। सो अपेरेंटली ये हेयर कलर वैक्स आपको हल्का सा शाइन देगा। इट इज नॉट अ मैट फिनिश वन, एंड इट्स कंप्लीटली वॉशेबल विद जस्ट वाटर। सो आई एक्चुअली डोंट माइंड अगर मुझे कौन सा भी रंग मुझे मेरे बालों पे दे दे। द मेन कंसर्न इज, माई मेन कंसर्न इज कि ये पानी से मेरे बाल धुल जाएंगे कि नहीं। यहाँ पे इट्स क्लियरली रिटन दैट इज वॉशेबल विद जस्ट वाटर, सिर्फ वाटर, नो हेयर प्रोडक्ट्स लाइक नो शैम्पू, नो कंडीशनर, नो सोप। सो लेट्स सी। मुझे ऑनेस्टली इसका पैकेजिंग मुझे पसंद नहीं आया। ये है उसका कंटेनर, आई मीन यहाँ पे साइड्स पे कुछ लिखा नहीं है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द हेयर प्रोडक्ट्स में यहाँ पे कुछ यूनिक सा कलर होता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। इसका शेप ऐसा है, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, यहाँ पे थोड़ा सा बेंड किया हुआ है। आई गेस ऐसा ही ये प्रोडक्ट आता है, या मेरे शिपिंग की वजह से कुछ ऐसा इश्यूज हुआ रहेगा। बट मेन कंसर्न पैकेजिंग का राइट नहीं है, मेन कंसर्न है कि कैसा दिखता है, ये वॉशेबल है कि नहीं। सो लेट्स ओपन इट। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग, कोई इसका स्मेल कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी ये प्रोडक्ट का टेक्सचर कैसा है अभी। इट फेविकॉल जैसा इसका टेक्सचर है, एज यू कैन सी मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे लिखा है रब स्मॉल अमाउंट ऑफ जेनिक्स हेयर कलर वैक्स ऑन टू पाम्स एंड वर्क विद फिंगर्स टू हेयर्स एंड स्टाइल एज डिजायर्ड टू रिकॉम हेयर लेटर इन द डे जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ वाटर टू रीएक्टिवेट इट। How can I add little bit of water to reactivate it जब यह पानी से washable है? Zenix hair color wax would wash out completely with just water. What? ये दोनों sentence एक दूसरे को contradict करते हैं। I don't know. I haven't used hair color wax कभी भी मेरे life में, but let's see ये कैसा है। थोड़ा सा हाथ में लेने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया। Let's see अभी मेरे बालों पर कैसा लगता है। Guys, I have to take a little bit more, because पूरा I don't think mix हुआ है। So let's start with my back. What? Okay. Taking a little bit more. Honestly, इसका texture is थोड़ा different. It's like normal hair wax जो होता है वैसा texture नहीं है इसका. But बालों पे देखते हैं, इस पर लिखा है कि glossy वाला look देता है. I don't think it's glossy at all. ये matte finishing वाला है. You guys think if I should add a little bit more of this product? Because यहाँ पे I feel थोड़ा black hair दिख रहा है, थोड़ा ये थोड़ा highlight जैसा look दे रहा है, but I don't want a highlight look. I want my hair to be completely grey. So मैं थोड़ा और product लेने वाला हूँ। So normal hair wax के हिसाब से मैंने थोड़ा amount पे मैंने ज़्यादा लिया ये product. So should I apply this product मेरे eyebrows पे या मेरे beard पे? I don't know. मुझे डर लग रहा है कि अगर ये color निकला नहीं तो I don't want my hair, like my eyebrows या मेरा beard permanently या थोड़े time तक to be of grey color. But I haven't washed it yet.
सो फार इट लुक्स नाइस. मुझे सिर्फ यहाँ से थोड़ा पानी डाल के मुझे निकालना पड़ेगा ये कलर. या बट ऑनेस्टली इट फील्स लाइक मैंने मेरे बाल पर मैंने कलर किया है. एंड यहाँ पे द डार्क स्पॉट्स एज यू कैन सी, यहाँ पे थोड़ा ग्रे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा ग्रे ज़्यादा है. जब मैंने मेरे बाल को मैंने ग्रे किया था इट एग्जैक्टली लुक्ड लाइक दिस, बट आई डिडंट डू मेरे साइड से, सिर्फ मैंने मेरा टॉप वाला पार्ट किया था. एंड इसका होल्ड इज ऑल्सो नाइस. ये इसमें लिखा था कि ग्लॉसी लुक देगा, इट इज़ नॉट एट ऑल ग्लॉसी. लगाने के बाद मेरे बाल ग्लॉसी नहीं लग रहे, मेरे को थोड़ा मैट वाला फिनिश लग रहा है ये प्रोडक्ट में. सो यहाँ पे मेरे फोरहेड पे थोड़ा कलर आ गया है. सो मैंने गीला हैंडकरचीफ लिया, लेट्स सी ये निकलता है कि नहीं. ओके कलर निकल तो रहा है. ओके कलर अपेरेंटली पानी से निकल तो रहा है. सो आई एम लाइक क्वाइट हैप्पी कि ये प्रोडक्ट पानी से वॉशेबल है, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये पानी से निकल जाएगा ये कोई कलर. बट आप लोग के सामने है ये चीज़ कि आई एम जस्ट टेकिंग अ गीला क्लॉथ और हैंडकरचीफ एंड ये कलर निकल रहा है मेरे फोरहेड से. सो गाइस दिस इज द फाइनल रिजल्ट हाउ इट लुक्स. एंड पीछे से मैं आई गेस खाली ये पार्ट मैंने कलर किया हूँ. सबसे पहले आई एम गोइंग टू वॉश माई हैंड्स, मुझे चाहिए ये कलर मेरे हाथ से निकल जाए. एंड देन आई एम गोइंग टू वॉश माई हेयर विद जस्ट वाटर. एंड देन आई कम बैक एंड मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ पानी से वॉश होता है कि नहीं. सो गाइस हेयर वॉश करने के बाद आई गेस इट्स टाइम टू गिव द एक्चुअल रिव्यू ये प्रोडक्ट के बारे में. मैं टॉक अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव थिंग्स जो मुझे प्रोडक्ट के बारे में अच्छा एंड बुरा लगा है. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव थिंग्स. सबसे पहली बात इसका पैकेजिंग. आई एक्चुअली डोंट लाइक प्रोडक्ट का पैकेजिंग, बट मुझे इतना मैटर नहीं करता है. मेरे मैटर करता है कि अंदर क्या है, लाइक इज इट गुड, ये प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है, क्या खाली दिखाने के लिए उन्होंने ऐसे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग किया है. दूसरी बात इसमें लिखा है कि आप ये प्रोडक्ट को वापस से रीस्टाइल कर सकते हो हल्का सा पानी डालने के बाद. आई ट्राई to do that, but उसके बाद मेरे बाल से वो कलर थोड़ा थोड़ा ड्रिप ड्रिप होते गए, मेरे मुंह पे गिरते गए ये प्रोडक्ट. गलत एडवर्टाइजिंग नहीं करना चाहिए, खाली पानी स्प्रे करो या थोड़ा हल्का सा पानी डाल के आप ये प्रोडक्ट को आप इसे रीएक्टिवेट करते हो, ये चीज नहीं है. ऑल्सो मुझे हल्का सा थोड़ा पोर्शन ज्यादा यूज करना पड़ा था नॉर्मल हेयर वैक्स के हिसाब से, बट आई मीन दैट मेक सेंस क्योंकि उसमें मुझे दिखना चाहिए था कि कलर मेरे बाल पे है कि नहीं. सो ये इतना था नेगेटिव पार्ट ये प्रोडक्ट के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव पार्ट. हेयर कलर वैक्स आई डिडंट थिंक वो कभी काम करता था क्योंकि आई हैव नेवर ट्राइड इट एंड This is the first time मैंने ट्राई किया आप लोग के सामने. एंड इट एक्चुअली वर्क्स. ये प्रोडक्ट लगाने के बाद आपको नेचुरल लुक देता है. इट डजेंट मेक यू लुक लाइक कि आपके बाल थोड़े से आर्टिफिशियल जैसे है कि नहीं है. इट गिव्स एन एक्चुअल नेचुरल लुक. पैकेजिंग में लिखा है प्रोडक्ट का प्राइस है 250 rupees, बट व्हेन आई गॉट इट फॉर Amazon मुझे कुछ 220 या 210 rupees में मिला था, विच इज एक्चुअली अ गुड डील क्योंकि मोस्ट ऑफ द हेयर वैक्सेस जो मिलते हैं मार्केट में वो यही रेंज के आसपास मिलते हैं. एंड दिस इज एक्चुअली गुड. द मेन थिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट के बारे में क्योंकि वॉशेबल है, यही चीज़ का मुझे बहुत पहले से डर था. लाइक मुझे सारे प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे जैसे कि शैम्पू कंडीशनर एंड साबुन निकालने के लिए, बट ये सिर्फ पानी से निकल गया. सो बहुत बहुत अच्छी बात है प्रोडक्ट के बारे में. अगर मुझे प्रोडक्ट को 10 में से मुझे रेट करना रहेगा तो आई वुड गिव इट 8.5. सो अगर आपके पेरेंट्स ट्रिक है, आपके पेरेंट्स को चाहिए आपका हेयर कलर नहीं करो या आपको डर लगता है कि ब्लीच करने के बाद हेयर कलर करने के साथ आपके बाद डैमेज होते हैं, यू ऑल कैन ट्राई टेम्पररी हेयर कलर वैक्स विच इज लाइक इफेक्टिव एंड वॉश करने के बाद आराम से निकल सकता है. यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट अगर आपको वीडियोज बनाने हैं या आपको रील्स बनाने हैं या आपको व्हाटएवर आपको फोटो शूट करना है, यू कैन डेफिनेटली यूज दिस प्रोडक्ट. एंड बहुत अलग अलग कलर्स में कलर वैक्स मिलता है. इफ यू गाइस वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, डू चेक इट आउट. एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. बाय बाय.